दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की बहुत ही जल्दी सुनते हैं। जी हाँ, अगर आप हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा के साथ अगर ये उपाय भी कर लें तो आपको बहुत ही अच्छे फल बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जय श्री राम, स्वागत आपका मेरे चैनल वीर बजरंगी में। और दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको तीन ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ कि अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ये उपाय भी करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों नंबर वन, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ हनुमान मंदिर जाना है। अगर मंदिर पुराना हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो आप मंदिर जाएं, अपने साथ आप एक गीला नारियल मंदिर में लेकर जाएं। जी हाँ, आपको सिर्फ गीला नारियल लेकर मंदिर जाना है और आपको हनुमान जी की मंदिर में जो भी प्रतिमा है उसके सामने आपको उस नारियल को अपने सिर पे से 7 बार उतारना है। जी हाँ, 7 बार उतारने के बाद आप उस नारियल को हनुमान जी के सामने फोड़ दें। जी हाँ, और उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना वहीं पे बैठकर। जी हाँ बिल्कुल, एकांत में बैठकर। बस आप इतना काम अगर करते हैं तो देखिए आपकी सारी परेशानियां कैसे जल्द से जल्द खत्म होती हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा उपाय आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको मंदिर में जाके आपको शाम के टाइम हनुमान मंदिर में जाके चौमुख का दीपक जलाना है। जी हाँ, चौमुख का 4 बत्ती वाला दीपक जो होता है वो आपको हनुमान जी के सामने दिन छिपे आपको जलाना है। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, नंबर तीसरा, अगर आप एक नारियल पर स्वास्तिक बनाकर, जी हाँ स्वास्तिक बना लीजिए नारियल को, और आपको मंदिर में जाके हनुमान जी को सिर्फ भेंट करना है। बस आपको इतना सा ही काम करना है। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो देखना कि कितनी जल्दी आपको शुभ फल मिलेंगे। तो दोस्तों हाँ, ये जो मैंने आपको उपाय बताए तीनों, इन तीनों उपाय करने के बाद आपको वहीं पे बैठकर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। जी हाँ, ये भी आप ध्यान रखिए कि ये उपाय करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, जब भी आपको बहुत जल्दी इसका अच्छा फल मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।